बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये निशाने की 2023 की रिलीज़ है और फिलहाल तक अभी जब मैं इसके रिव्यू बना रहा हूँ, एक दो दिन के अंदर मैं डाल दूंगा इसको YouTube के ऊपर, तो अभी तक इसके बहुत ही कम रिव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे हाथ लग चुके हैं तो मैं क्यों ना अपने भाइयों के लिए इसका रिव्यू बना दूँ। वकास अहमद से मैंने ये परचेज़ की हैं और पाकिस्तान में अब बहरहाल ईजिली अवेलेबल हैं। डोंट नो अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश के वहाँ पर इनकी क्या सिचुएशन है, इजीली अवेलेबल हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट निशाने अनी एक्स, ठीक है। ये रहा इसका स्लीव, मैं बॉक्स इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं पहले ऑलरेडी आप लोगों को बताता भी हूँ, मैं निशाने अनी ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, उसका बॉक्स भी अनबॉक्सिंग दिखाई थी, ये थोड़ी सी उससे बॉक्स डिफरेंट है, इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें, निशाने एक्स लिखा हुआ है और ये अनी एक्स टॉप के ऊपर लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, और ये नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रेट दे परफॉर्म, बाकी ये साइड खाली, यहाँ पे टॉप पे अनी एक्स लिखा हुआ है, ये जो निशाने का लोगो बना हुआ है, और बैक साइड पे ये आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग वगैरह 2023 बैच। और ये रहा इसका बॉक्स ब्लैक कलर का, निशाने अनी का बाहर से पर्पल था जो स्लीव था और अंदर से ब्लैक ही था, तो ये उसी तरह ब्लैक ही है और सेम निशाने का। और ये रहा इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे परफ्यूम पड़ा होता है, अब यहाँ पे रखने की जगह कोई नहीं है ना, तो ये इसका बॉक्स है। मैं इनको बारी बारी नीचे भी रखता हूँ, मुझे इनको नीचे रखना है। ओके, ये हो गया और ये जी इसका अंदर कार्ड हो गया जो इसके एनवेलप से निकलता है कार्ड, उसमें एक्स लगा हुआ है, एनी एक्स लिखा हुआ है और नीचे नोट्स वगैरह लिखे हुए हैं जो कि इसके होते हैं, टिपिकल नोट्स होते हैं। ओके, ये तो हो गया। अब मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ जो कि कुछ इस तरह की है। ये था पुराना निशाने अनी जिसका ऑलरेडी मेरे चैनल पर रिव्यू अवेलेबल है, और ये है निशाने अनी एक्स। ये आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे ब्लैक प्लेट है, बाकी ये सिंपल है, और इसके फ्रंट पे ये गोल्डन कलर की प्लेट है और बाकी तीनों साइडों से खाली है, और बैक से अगर आप देखें तो उस प्लेट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर ना ये निशाने का घोड़ा बना हुआ है, बाकी टिपिकल निशाने की कैप और उसके ऊपर निशाने लगा हुआ है, निशाने लिखा हुआ है, और 100 ml की बॉटल तकरीबन देख लें सेम बॉटल है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज द स्टिकर, बॉटल की बात कर रहा हूँ, जूस की नहीं। अच्छा, और जब कैप बड़ा ठीक स्नग फिट है, बड़ा हैवी सा कैप है, और बाकी ये आप देख सकते हैं गोल्डन सा इसका स्प्रे। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, तो क्या ये अनी से डिफरेंट है? यस, मैं आप लोगों को एक बार बताता चलूँ, निशाने की मेरी बहुत जो फेवरेट फ्रेगरेंसेज हैं उनमें से निशाने अनी जो है ना वो मेरी एक फेवरेट फ्रेगरेंस है, ठीक है। तो इसके रिव्यू में मैंने बताया भी था कि ये मुझे ऑरेंज वेफर बिस्किट की तरह इसका टेस्ट, वो जो है ना खुशबू आती है। बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी लगी, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगी, तो बात कुछ इस तरह है कि मैं उसको ना रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑरेंज वेफर बिस्किट की तरह की इसकी खुशबू होगी, लेकिन जब आप इसको खुशबू करेंगे, जो कि मैंने इसको भी लगाया हुआ है, तो समहाउ आपको फील होगा। मैं क्योंकि खुशबू की फील बताता हूँ ना कि कैसी है, नोट्स तो नहीं बताता, तो फीलिंग में कुछ वाकई ही इस तरह फील होता है कि ऑरेंज वेफर बिस्किट है। बाकी जिसने मानना है ठीक, जिसने नहीं मानना उसको मैं कुछ भी कर लूँ, उसने नहीं मानना, ठीक है। तो बात करते हैं हम अपने अनी एक्स की, तो ये डिफरेंट है, जो मेन अनी था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी खुशबू के बारे में, ठीक है। तो मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह लगता है जिस तरह ऑरेंज वेफर बिस्किट के ऊपर ना पिंक पेपर्स का किसी ने छिड़काव किया हुआ है। अब ऑरेंज वेफर बिस्किट, बिल्कुल आप कभी बाजार जाएं, ऑरेंज वेफर बिस्किट को कभी आप खुशबू करें वहां से खरीद कर, तो उसकी वनीला टाइप, ऑरेंज टाइप, क्रीमी सी, ऑरेंजी सी एक खुशबू होती है। सेम वही वनीला ऑरेंजी बिस्किटी सी जो एक खुशबू होती है, उसके ऊपर पिंक पेपर का एडिशन कर दिया है। यानी इसमें स्टार्ट में ऑरेंज वेफर और कार्डमम फील होता था, इसका डिटेल रिव्यू बनाया हुआ मैंने, लेकिन इसके अंदर ऑरेंज वेफर बिस्किट के साथ आपको प्रॉपर फील होगा एक पिंक पेपर की। अच्छा, जो पिंक पेपर होती है वो इरिटेटिंग सी ब्लैक पेपर की तरह की इरिटेटिंग सी पेपर्स होती हैं, जिनको आप खुशबू करें तो वो थोड़ी सी आपको ठंडी भी लगेंगी और थोड़ी सी आपको स्पाइसी भी लगेंगी। तो ऑरेंज वेफर बिस्किट के ऊपर वो जो पिंक पेपर का एक छिड़काव है ना, वो इसको टोटली स्टार्ट डिफरेंट दे देता है, और एक आप कह लें कि इसके अंदर मजीद एडिशन हो जाता है, निशाने एनी के अंदर एक मजीद
ट्विस्टेड वर्जन आ जाता है इसके फर्स्ट फेज के अंदर। सेकंड फेज के अंदर लिटरली लिटरली आपको इस तरह लगेगा जिस तरह वो पिंक पेपर सब गायब हो गई हैं और प्रॉपर वही जो ऑरेंज वेफर बिस्किट, जिसको मैं ऑरेंज वेफर बिस्किट की खुशबू से रेफर करता हूँ, अब आप उसको वनीला कहें, अब आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन वो एक ऑरेंज की खुशबू है जो कि एक क्रीम के अंदर मिक्स हो के हल्की फुल्की बिस्किटी सी खुशबू भी आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है ऑरेंज वेफर बिस्किट के। दैट्स इट। उसके साथ सेकंड फेज के अंदर आप जिंजर के एक पानी की खुशबू ऐड कर लें। इसमें जिंजर थोड़ा थोड़ा मुझे कम फील होता था, इसमें जिंजर बहुत ज़्यादा है। यानी ऑरेंज वेफर बिस्किट के साथ आप बहुत सारा जिंजर का पानी यानी अदरक का पानी अगर ऐड कर लें तो जो खुशबू आपके जहन में आएगी, ठंडा, बहुत ही ठंडा अदरक का पानी, तो वो होगा इसका सेकंड फेज। और अगर हम थर्ड फेज की बात करें तो यस, थर्ड फेज के अंदर ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह एक ऑरेंज वेफर बिस्किट ही और उसके साथ शेव्ड पेंसिल की हल्की सी एक वुडी सी खुशबू, वो इसके थर्ड फेज में आती है और फिर ये चलती रहती है। खुशबू के लिहाज से इसमें अनी के साथ थोड़ा खेला गया है, स्टार्ट में भी खेला गया है, सेकंड फेज के अंदर भी थोड़ा सा खेला गया है। सेकंड फेज मतलब फर्स्ट फेज में तो टोटली इन्होंने ये काम किया ना कि पिंक पेपर इंट्रोड्यूस करके इसको स्पाइसी बना दिया, सेकंड के अंदर जिंजर को थोड़ा सा एम्प्ड अप कर दिया, और थर्ड फेज में ऑरेंज वेफर की बिस्किट की जो खुशबू थी उसके साथ इन्होंने एक शेव पेंसिल की सी खुशबू को अटैच करके इसको बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया। यानी ये अनी ज़रूर है, लेकिन मतलब ये आपको इसकी हल्की फुल्की याद ज़रूर दिलाएगा, लेकिन ये उसका बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड वर्जन है। डार्क सेट, ठीक है, ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्गजीविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन, सिमिलैरिटीज़ की पहले बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ आर देयर बट डिफरेंसेज आर वेरी 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 नोटिसेबल। जो डिफरेंसेज है वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, ठीक है। तो एज की अगर हम बात करें, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, इसको हर एज का बंदा लगा सकता है, जेंडर मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। इस फ्रेग्रेंस को मेरे घर की फीमेल्स ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया लगाने के तौर पे भी, और मुझ पे भी ये फ्रेग्रेंस लगी हुई बहुत ज़्यादा तारीफ की, और सेम इन दिस केस कि ये लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे अनी की परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं लगा, और मेरे रिव्यू के नीचे 90% लोगों ने यही कहा कि दिल भी परफॉर्मेंस ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं मिली अनी की, वेरी मच पॉसिबल आपकी बॉडी केमिस्ट्री के साथ मैच नहीं की होगी, लेकिन 90% लोगों की राय यह है कि ये एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस थी। इसके बारे में अभी तक मेरी, क्योंकि इंडिविजुअल राय है, ये बहुत ज़्यादा लोगों ने भी इस्तेमाल नहीं की होगी, तो मुझे इस तरह लगता है कि इसकी 10+ आवर्स तक लॉन्गजिविटी है और इसकी प्रोजेक्शन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। एक आम लेंथ जितनी मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी प्रोजेक्शन है। एक्सट्रेट दे पर्फा है तो इसकी लॉन्गजिविटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल किसी के ऊपर होगा। बहरहाल आप लोगों में से जिस लोगों ने इसका डीकेंट ले लिया, बकास अहमद से आपको मिल जाएगी ईजिली, डीकेंट ट्राई करें, फुल बॉटल ट्राई करें, लेकिन ये कि बकास अहमद से आपको मिल जाएगी, तो जिसने ट्राई कर लिया वो मुझे बता सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन, मुझे लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। वेदर और ओकेजन की बात करें तो भाई प्योरली फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, समर में शायद थोड़ा सा तंग करे, मैं लगा लेता होता हूँ कभी कभी, जब मैं बिल्कुल वो कोई निशानी की फ्रेग्रेंस, मतलब कभी भी मेरा दिल करे यार आज अनी बड़ा टाइम हो गया नहीं लगाया, तो उसके फिर मैं अनी लगा लिया करता हूँ, चाहे वो ये वाला नहीं हो या ये वाला नहीं हो। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, इसको ट्राई करना बनता है, मतलब ये उस वाले अनी से ट्विस्टेड वर्जन है। बाकी रही ऑरेंज वेफर बिस्किट वाली बात, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग इसको ऑरेंज वेफर बिस्किट माने या ना माने, मैं रेफरेंस के तौर पे आप लोगों को बताता हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजीविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर हो गया, ओकेजन की अगर हम बात करें, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, बेस्ट पार्टी फ्रेग्रेंस। मैं मतलब अगर किसी की बर्थडे पे जाऊँगा तो मैं ये फ्रेग्रेंस लगा कर जाऊँगा, मैं अगर किसी की मंगनी पे जाऊंगा तो मैं ये फ्रेग्रेंस लगा कर जाऊंगा, अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। तो मुझे अगर किसी भी फंक्शन पे जाना होगा, किसी भी पार्टी के ऊपर जाना होगा, बर्थडे, मंगनी, ये वो, तो मैं इस फ्रेग्रेंस को लगाना ज़्यादा प्रेफर करूंगा, या मैं लगाना पसंद करूंगा ये मतलब डिपेंड करता है ना अपनी अपनी चॉइस, मैं एक थोड़ा सा वो एक पैटर्न बता रहा हूँ, या ये स्टीफन ओबलुका का जो है ना ये टकला मकान, ये लगाना पसंद करूंगा। बहरहाल ये वो ओकेजन से मैं आप लोगों को थोड़ा उस तरफ चला गया था। तो ये था जी हमारा निशाने का अनी एक्स, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, न्यू लॉन्च है निशाने की तरफ से। आपके भाई ने अपना वो रिकॉर्ड कायम रखा कि निशाने की टाइम कैप्सूल कलेक्शन सीरीज जब आई थी तो सबसे पहले आपके भाई ने रिव्यू की थी
तेरो, क्रेदो, पपिलफीको और टेम्फ्लुओ चारों मैंने जब आई थी तो 3-4 माह बाद मैंने उसके रिव्यू डाल दिए थे। तो अभी भी ये फ्रेगरेंसेस लॉन्च हुई हैं और आपके भाई ने, एंड स्पेशली थैंक्स टू वकास अहमद जिसने पाकिस्तान में ये अवेलेबल की, वरना बैठे रहते हम साल तक, ठीक है। उनके बारे में भी, टाइम कैप्सूल के बारे में भी और इसके बारे में भी, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा निशाने का हनी एक्स। थैंक यू सो मच।